हरियाणा में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब हाल ही में वैक्सीन लगवाने जा रहे दंपत्ति की स्कूटी को बस ने टक्कर मार दी। दरअसल पानीपत के गीता कॉलोनी निवासी राकेश अपनी पत्नी निशा के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए स्कूटी से राधा स्वामी सत्संग भवन में गया था। सड़क पर बस चालक ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे निशा की सड़क पर गिरने से मौत हो गई, जबकि राकेश गंभीर हालत में राहगीरों द्वारा पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दो ढाई घंटे के आसपास की बात है, मेरे जो चाचा जी है बाबूराम जी, उनका सपुत्र राकेश अपनी मिसिज के साथ अपने यहाँ बाइक से, ये राधा स्वामी सत्संग भवन है, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। तो एक बस ने बिना किसी हॉर्न बजाए बिल्कुल बस को बैक मारा, काफ़ी जोर की दुर्घटना हुई, जिसमें मौके पे ही मेरे चाचा का जो लड़का है उसकी मिसिज मौके पे, निशा नाम उसका, मौके पे दम तोड़ दिया और चाचा का लड़का है उसको काफ़ी चोटें आई है। उस दौरान पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया है। अब क्या कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है इसका हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, यहाँ सिवल में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे ये? पानीपत, ये गीता कॉलोनी के। गीता कॉलोनी। हाँ जी। कितनी उम्र उनकी? उम्र मेरे ख्याल होगी 36-37 के आसपास की उम्र। हम तो चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। कानून का उल्लंघन करते हैं, बिना हॉर्न बजाए बैक दे रहे हो आप, ये नहीं देखते हो कि पीछे कोई आ रहा है उसका तो ध्यान कर लो। पीछे से ठोक दी है, बताओ किस उस पे थे ये लोग? हाँ जी, एक्टिवा पे थे। ठीक। एक्टिवा। और दूसरे जो बस थी कौन सी, प्राइवेट थी सरकारी? बस का कुछ पता नहीं चला है, वो तो थाने के अंदर जो रिपोर्ट लिखी जा रही है पता लगेगा हरियाणा रोडवेज की है कौन सी है। वही निशा के शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। राकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी हमसफर उसे यूं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिलहाल मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक को काबू किया। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।